मैं भी अंदर जा सकती हूँ। हाँ। टैम्पोलीन। सुबह सुबह नाश्ता रेडी हो रहा है, जिसमें से गरम गरम साबुदाना, वही अंडे और चाय। आपको मैं एक चीज बता चलूं यार, मैंने अपने आप से चैलेंज लिया है, 1 महीने के अंदर मुझे 7 या 8 kg अपना गेन करना है। और वो भी क्यों? क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स मिलता है वो बोलता है यार तुम काफी स्किनी हो, काफी स्किनी हो, मतलब हैंडसम हो लेकिन तुम वीडियो में थोड़ा बड़े लगते हो, मतलब हेल्दी लगते हो, सामने तुम स्मार्ट हो। तो मैंने बोला कि यार नहीं, अब थोड़ा सा हेल्दी लगेंगे, तो इसलिए हमने सोचा है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा खाएंगे और अपना वेट गेन करेंगे। अभी ये हमारा वेट 57 और हमें करना है 65 1 मंथ के अंदर। आ चुका है नाश्ता, तो करते हैं नाश्ता। कल ये मेरी चोट लगी थी गाइस, आप देख सकते हो, इस पे मैं साबुन भी लगा रहा हूँ, इस पे पानी भी लगा रहा हूँ, तौलिया से साफ भी कर रहा हूँ, ज्यादा इस पे पेन हो रहा है। और पता पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है ना, ये इधर लगी है, ज्वाइंट की तरफ, इधर लगती या इधर लगती ना तो मसला नहीं था। नाश्ता हो गया और यहाँ पर हो गया मैं बिल्कुल रेडी, कैप नहीं पहने क्योंकि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं जुम्मे की। कैसा हुआ आज का पेपर? आज का पेपर थोड़ा सा सही हुआ बस। रोज तेरा थोड़ा सा सही हो रहा है बस। ये रोज दिखता है बट ये बिल्कुल एंड में चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह अच्छा। जल्दी टमाटर दी, जल्दी जल्दी, भाग 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 भाग। रुक रुक रुक, पढ़ी है नमाज और अब हमें जाना है बेबी को लेकर एक स्कूल देखने, जो कि छोटे बच्चों का है। सुना है भाई काफी अच्छा स्कूल है, तो हमने बोला क्यों ना भाई हम विजिट करने जाएं। तो गाड़ी फटाफट से निकलवाते हैं बाहर और ऊपर सबक और बेबी को लेकर आते हैं। खुल जा सिम से। कराची का मौसम बहुत गर्म है यार, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। निकल जा निकल जा। निकल गई गाड़ी, निकल गई, अब सबक और बेबी को लेते हैं। नीचे आ रही थी, चलो आ जाओ। बेबी तो सो रहे हैं यार। अरे उड़ गया उड़ गया उड़ गया यार, मैं जब भी इसके पास वीडियो बनाता हूँ ये उड़ जाता है, तेज हो गया बहुत। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सीन ये है कि भाई बेबी उठेगा फिर जाएंगे हम। चले जाओ अभी, महीना सो रहा है ना, वो रोना शुरू कर दिया, फिर वहाँ पर नींद पूरी नहीं हुई तो दोनों महाराजा एक साथ उठ गए। चलो इसको दे दो, हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, पहना दिया इसको, फुल रेडी शेडी किया हुआ है। आहा भाई, फुल एसी करना पड़ गया है, बहुत ज्यादा गर्मी है, गाड़ी जल रही है पूरी। मुन्ने को गर्मी ना लग जाए ना इसलिए। किसी के बच्ची है? आपकी क्या बच्ची है? या मेरी? मेरी अच्छी है ना। पापा की अच्छी है यार। बासिल की अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, डस्ट उड़ी होगी ना यहाँ से। बच्चों को तो इम्यून सिस्टम वैसे इतना सा होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। चलते हैं भैया अब स्कूल। चलो चलो, पहुँच गए। चलो आ चुका हूँ बच्चों की क्लास के अंदर, और यहाँ पर अभी जो है ना वो मिस जो है काफी फीचर बताने वाली है कि स्कूल ये क्यों इतना अट्रैक्टिव है और क्यों इसमें छोटे बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए। सो लेट्स गो। थैंक यू मच फॉर कमिंग, आपको बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला। हम आपको अपने स्कूल के फीचर्स बताते हैं कि हमारा स्कूल जो है सेफेस्ट मॉन्टेसरी क्यों है और दूसरे स्कूलों से वो डिफरेंट क्यों है। कम, लेट मी शो यू द क्लासरूम। दिस इज आवर क्लास, एयर कंडीशन क्लासेस है हमारे, इट्स अ सीसीटीवी फुल कवरेज है, इसलिए हमारी जो मॉन्टेसरी है ये सेफेस्ट है, बिकॉज हर क्लास में हमारा सीसीटीवी कवरेज फुल है। देखिए, हमने डिजाइन किया है बच्चों के लिए कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, यहाँ पर आकर वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, हमने कोई भी फ्लोर नहीं छोड़ा। बच्चे अगर यहाँ पर एंगेज, इस तरीके से अपने एंगेजमेंट कर सकते हैं कि लाइक इधर भी प्ले करते करते वो एक्टिविटी भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ये level 3 है हमारा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे AC है, CCTV कैमराज है। तो दूसरे स्कूल इतनी महंगी महंगी फीसें लेते हैं, मैं सॉरी नाम कोट नहीं करूंगी, लेकिन वो AC भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। और हमारा जो ये कैमरे सिस्टम है, हम इसको बहुत मिनिमम प्राइस में कैम्ब्रिज लेवल का यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। यार मुझे तो बड़ा अच्छा स्कूल लगा, और जैसे कि आपने देखा टीचर ने बताया कि यार ये जो है ना ये बच्चों के लिए बड़ा सेफेस्ट स्कूल है, और दूसरा ये एयर कंडीशनर है पूरा। जैसे आप स्कूल में आते हो, आपको स्कूल में AC नहीं मिलता, यहाँ पर तो भाई AC भी मिल रहा है, AC में पढ़ रहे हो तुम लोग यार। दूसरा जो है ना, मैं जो हूँ आ रहा हूँ इस स्कूल के साथ समर कैंप के अंदर, जिसमें हमारे पास आर्चरी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, म्यूजिक होगा, तरबिया होगी, और मैसी प्ले होगा, रोबोटिक भी होगा, और कूल कुकिंग भी होगा, और क्या होगा, जम्बा योगा भी होगा। बड़े एंटेक्स नाम रखे हुए यार ये तो। क्या आपको जरूरत है? आप भी आ जाइएगा। तो मैं आ रहा हूँ भाई, मैंने बोला कि आप भी आ सकते हो। बासिल को छोड़ के आएंगे, हम दोनों खेलेंगे। हैं? बासिल को छोड़ के क्यों आएंगे? इसके लिए तो ये और इम्पोर्टेंट है भाई, इसको मतलब सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये मैं बताऊँ क्या करूँ? तुम क्या करोगे बताओ? ज्वेलरी मेकिंग करोगे मेरे ख्याल से, तुम यही करोगे, लड़कियों का काम यही होता है। अगर सब्सक्राइबर्स भी आ गए छोटे छोटे बच्चे, तो हम उनके साथ ये करेंगे भाई पेंट मंच, और स्विमिंग पूल भी है भाई, स्विमिंग में भी नहाएंगे। वो देखो वो टेम्पोलिन जो दिख रहा है ना, टेम्पोलिन जिसमें बासिल खेलेगा अभी,
और वहाँ पर भी हम खेलेंगे और हम वो आर्चरी करेंगे, निशाने लेंगे। तुम देख लो भाई, तुम्हें नहीं खेलना, उसको खेलाना है। बासिल देखो मम्मा खेल रही, आप क्यों नहीं खेल रहे? नीचे बैठ जाती ना। चलो चलो बासिल, आज का मजा आ रहा है। ओए ओए ओए, उसोल के पांव पे ना आ जाए वो लोग, कुचलते उछलते। नहीं, वही को चाहिए कोल्ड ड्रिंक। मुझे पकड़ के बताइए, अगर डायरेक्ट अपने ऊपर सारी। थैंक यू, खाओ खाओ। मैं यार जा चुकी है, बट मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि यार मैं जो आ रहा हूँ ना समर कैंप, वो डेट है भाई 5 जून, टाइमिंग 12 बजे सुबह के। तो जितने बच्चे आना चाहते हो ना समर कैंप एंजॉय करना चाहते हो, तो आ जाओ और अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लो बुक। बच्चों के साथ खेलेंगे, वाह। हाँ तो मजा आएगा बच्चों के साथ खेलने में भाई। को भी लाएंगे उस दिन हम। हाँ ला सकते हैं, फरिया तुम, मैं, बासिल। ये है भाई नॉर्थ नाजाबाद में स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, आप सर्च करो गूगल पे, और बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इंस्टाग्राम पेज के, गो एंड चेक इट आउट। अब चलते हैं घर। अरे यहाँ तो कौवे समर कैंप मना रहे हैं भाई, नहा रहे पानी में। बासिल जो है वो खेल खेल के काफी थक चुके हैं टेम्पोलिन के अंदर, अब इनको नींद आ रही है और गर्मी से बुरा हाल। तो चलते हैं भाई, इनको छोड़ते हैं कि नानी घर पे, काफी टाइम से नानी के घर पे नहीं गए, तो इनको चलते हैं नानी के घर पे छोड़ते हैं। बाय बाय मेरा मुन्ना पारा शाह, पापा आपको लेने आएंगे कल, ठीक है? कल मैं, ओ सॉरी, आज आज कैसे खुशी मिल गई, सुबह कैसी शौक हो गई हो कल, ओ 1-2 बजे तक आएंगे। चलो भाई देख लेंगे भाई कब लेने जाते हैं, और अभी हमें घर जाके करनी है पैकिंग सुबह, और बासिल की हो चुकी है पैकिंग, और कल है भाई फिर हमारी फ्लाइट, हम जा रहे ओपनिंग करने अपने रिजॉर्ट की, उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो अभी घर। चला चला, खड्डे 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 से गुजरते हुए जा रहे हैं यार। अरे कभी इधर गाड़ी डालो, कभी उधर डालो, मतलब खड्डों से बचा रहे हैं बस। ओ दो दो इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स भाई, क्या बन रहा है यहाँ पर? आई थिंक यहाँ पर BRT का उस तरह कुछ बन रहा है। ये तो बहुत लंबी है। पहुंच गए घर। अरे कहाँ गए सारे, कोई भी नहीं है। टमाटर सो रहा है, उठो जल्दी। हम कैसे चलिए तैयारी भाई, आपकी पैकिंग वैकिंग हो गई सारी? हाँ मुझे भी करनी है अभी पैकिंग। 4 सूट तो रखने मैंने बस। महाराजा भी रेस्ट कर रहे हैं। ज्यादा मैं नहीं देख सकता, तुम्हें इधर आना पड़ेगा। अबे गर्दन नहीं घूम रही तुम्हारी क्या? अबे क्या हो गया तुम्हारी गर्दन में, तुम ऐसे घूम रहे हो कब से? ओ भाई गाइस की 3 दिन से तबीयत खराब है भाई, गर्दन नहीं घूम रही। कोई मुझे पीछे से बुला रहा है ना? हाँ यूं करके। हाँ भाई हेलो, मैं यूं देख रहा हूँ। ओ भाई ये तो तुम्हारा बड़ा मसला हो गया, ये यार पता नहीं क्या है, काफी बड़ा बैग बना दिया भाई ये तो सब ने। देखते हैं भाई इसमें हमारे कपड़े आ गए तो इसमें ही रख देंगे हम, लगता है आ जाएंगे। कपड़े गर्म कपड़े निकालूं या ठंडे कपड़े निकालूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पर ठंड है या गर्मी है मुझे भी नहीं पता अभी है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो ठंड पड़ जाएगी, अगर नहीं हुई बारिश तो फिर गर्मी, तो गर्म ही निकाल लेते। निकल गए कपड़े सर्दी गर्मी दोनों के। चलो चलो अंदर, चलो चलो। पैकिंग डन। आपकी बैगी पैकिंग सिर्फ इतनी सी होती है, सिर्फ निकालने और बस ठूसने। आ गई फरिया ट्यूशन से। मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों? क्योंकि मेरे थे सिर्फ 4 चैप्टर और वो डन हो चुके, और मैं 4 दिन बाद मैं गेम खेलूंगी अब सुकून से। 9:05 हो गए, खाना भी लग चुका है। क्या है आज खाने में भाई? पूरियां और कीमा, फ्राई कीमा। जा 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 जा, ये वाकई में कबाब है नॉट कीमा। गरम गरम पूरियां, पूरी पूरी आधी है ये, पूरी देता हूँ सुबह कर। ये भी आधी है बे, दोनों आधी हैं। आधी 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 तू तूने पूरी मांगी थी लेकिन पूरी तो नहीं है, चलिए ले आधी। नाम अच्छा है पूरी, अब आधी पड़ी हो तो कोई खा ही नहीं सकता। अच्छा जो गे अगर समझ आया तो हो गया जो, अब खाते हैं खाना। Okay. अरे ये कौन बच्चे आ गए भाई, क्या खाया जा रहा है? आइसक्रीम खाने आए थे, पूरी पिघला दी, इतनी सारी क्यों नहीं थी फिर? दांत सारे खराब हो गए। ये किस तरह, अरे अरे ये किस तरह खा रहे हो, ऐसे कौन खाता है आइसक्रीम? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जो आइसक्रीम पी रहा है भाई, पीने की नहीं खाने की है। पापा जो है बासिल को मिस कर रहे हैं, ये सब पूछ रहे थे उसका। हाँ आज बासिल गोद में नहीं है, साफ गए नानी की। बस गाइस थोड़ा सा ही टाइम रह गया, मतलब 11:30 हो गए, 12 बजे हम निकल जाएंगे लेने। चप्पल ही पहन के चलते हैं भाई, 12 से ज्यादा टाइम हो गया, लेट हो गया। इतनी सीट आगे कर दी। अच्छा एक बड़ा मसला होता है जब आप बिल्डिंग में रहते हो ना, तो मैं आपको मसले बताते रहता हूँ बिल्डिंग में। वैसे भी होता ये है कि जब आप गाड़ी की सीट एडजस्ट करते हो ना अपने हिसाब से, जब आप गाड़ी पार्किंग के लिए देते हो तो जो ड्राइवर होता है ना वो अपनी मर्जी से सेट कर देता है। अब दोबारा से फिर उसको एडजस्ट करो कि भाई मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे सेट करता हूँ, ये गाड़ी वालों की बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई कैमरा पीछे का क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई कैमरा नहीं आ रहा पीछे का यार, कैसे देखूंगा? अंधेरा हो रहा है, देखो दिख भी नहीं रहा कुछ भी। ये देखो ठुकना जाए भाई। आ गया आ गया, पहुंच गए। जो अगर मैं आपको लेने नहीं आता आज तो फिर आपकी तो फ्लाइट मिस हो जाती कल वाली। आज उसी फ्लाइट खेल के आ जाते। पापा का मुन्ना आ गया है, इतनी बड़ी आगे की खोलनी। पर कल फ्लाइट है आपकी, पर जहाज में तंग नहीं करना हमें। आपने पैकिंग कर ली? हाँ डन। चलो भाई
बासिल की नानी ने बासिल के लिए भाई कपड़े भी भेजे और क्या क्या शॉपिंग की है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ की अलग की है, उसके बाद दोबारा जहाँ जाएंगे वहाँ की अलग की है। ईद की अलग करके रखी हुई हो गई थी, एक एक करके दूंगी, जब जब आओगी तब तब दूंगी, वरना नहीं दूंगी। बासिल बड़े मजे है भाई, बासिल की सारी शॉपिंग तो नानी कर लेती है। गुड फरिया, अरे कोई गेट ही नहीं खुल रहा, कोई भी नहीं आ रहा भाई अंदर से, सब सो तो नहीं गए? जैसे अभी एक बज रहा है ना रात का, वो भी तो लगता है शायद सारे सो गए। टैब लिया हुआ था ये टैब लिया हुआ था ना मेरी गुड्डी गुड्डी कहाँ गई थी भाई, अकेले अकेले फरिया और बासिल का प्यार। सबसे छोटी फरिया, फिर सबसे छोटा बासिल। मम आपकी सारी शॉपिंग डन? हाँ मेरी डन हो गई, बस सुबह की इस्त्री रह गई खाली। बस आ गया बासिल भाई, कुछ घंटे भी नहीं रह सकते बाबा, कुछ घंटे। नानी का गया था भाई, चार पांच दिन कैसे रहेंगे, बात करते रहेंगे भाई। इस व्लॉग को भाई इधर से एंड करते हैं, उम्मीद आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमें कल देखना है कि भाई कल वहां पर कौन कौन आता है और कैसे सब कुछ होता है, मतलब काफी बड़ा हमारी ओपनिंग है और समझ लो मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है कि मैं कोई इतनी बड़ी चीज को ओपन कर रहा हूँ, तो बेस्ट विशेस टू मी यार। बाकी ये व्लॉग तो आप लोग लेट देख रहे हो, जब तक ओपनिंग हो चुकी होगी या हो रही होगी, सो कल वाले व्लॉग पे ज़्यादा प्यार दिखा देना और आप लाइक कर दोगे, यही समझ लो आप शिरकत हो गए, तो आपने लाइक मस्त करना है बस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो।